बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी चिकन मैक्रोनी। मैक्रोनी ले लेंगे 1 कप शेल में, चिकन बॉलनेस ले लेंगे क्यूब में कटी हुई, टमाटो केचप ले लेंगे 4 टेबल स्पून, ऑयल ले लेंगे 3 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, कुटी हुई ले लेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन ले लेंगे 1 टेबल स्पून चॉप, सोया सॉस चिली सॉस ले लेंगे 2 टेबल स्पून, शिमला मिर्च ले लेंगे 1/2 कप, इसको क्यूब में कट कर लेंगे, और बंद गोभी जूलियन कट कर लेंगे 1 कप, पानी नमक, पानी उबालने के लिए नमक और तेल डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। अब मैक्रोनी डाल देंगे उबालने के लिए, मतलब जो हाफ डन हो जाए, बिल्कुल नहीं उबालेंगे, हाफ डन उबालेंगे, कवर कर देंगे। अब तो 5 मिनट बाद कवर को हटा देंगे, हाफ डन हो जाएगी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब ऑयल डालेंगे एक पैन में, लहसुन डाल देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें बोनलेस चिकन डाल के थोड़ा सा चलाएंगे ताकि चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए। जब चिकन वाइट हो जाएगी इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च सॉरी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा ना, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि चिकन गल जाए। कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब कवर हटाएंगे तो ये चिकन गल जाएगी। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, बंद गोभी डाल देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए सब्ज़ी और चिकन आपस में एक जान हो जाए। अब सोया सॉस चिली सॉस डाल देंगे, टमाटो केचप डाल देंगे, और इसको चलाएंगे ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए, एक जान सा हो जाए। जब सबसे अच्छे से यकजान हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम मैक्रोनी डाल देंगे शेल की हुई, बॉयल की हुई, इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस चलाएंगे हल्का सा ताकि सब कुछ आसानी से मिक्स हो जाए आराम से, और हम निकाल लेंगे। स्पाइसी चिकन मैक्रोनी रेडी है। अगर आपको मेरा मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और रेसिपी की ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।